पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने की प्रेस वार्ता, आप सरकार की गिनाई नाकामियां। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ आज गुरु नगरी पहुंचे और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा पंजाब के विकास के लिए वचनबद्ध है और वह जिले की समूची लीडरशिप से संवाद कर सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी के किले को भेदने के लिए योजना बनाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक माह बीत जाने के बाद भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया। पंजाब भाजपा पंजाब के विकास और पंजाब में नशा खत्म करने के लिए एकजुट होकर कार्यरत रहेंगे। इसके लिए वे विभिन्न जिलों में भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठकें भी आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश का जिस कदर विकास हो रहा है, उससे लोग भाजपा को मजबूत करने में जुटे हैं और लगातार भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इस मौके सांसद श्वेत मलिक, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा तरुण चुग, भाजपा वरिष्ठ नेता डॉ. राजकुमार वेलका, जिला अध्यक्ष डॉ. हरविंदर सिंह संधु, प्रदेश महासचिव भाजपा बिक्रमजीत सिंह चीमा व अन्य उपस्थित रहे। बता दें कि प्रेस वार्ता के पश्चात श्री सुनील जाखड़ ने स्थानीय रिजोर्ट में अमृतसर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और भाजपा की नीतियों से उन्हें अवगत करवाया और उनकी मुश्किलों को सुना। साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें भाजपा के कई वरिष्ठ नेता जैसे बख्शीराम अरोड़ा, हरजिंदर सिंह ठेकेदार, जगमोहन सिंह राजू, बलदेवराज चावला, राकेश शर्मा, सरबजीत सिंह शंटी, विशाल शूर व अन्य उपस्थित रहे। पंजाब दे नेशनल बीजेपी दे सीनियर आगू तरुण चुग जी दा जेडे स्पेशली आज इस प्रोग्राम वास्ते अपनी जरूरी मीटिंग दिल्ली छड़ के इत्थे पहुंचे है, मैं धन्नवादी हाँ श्वेत मलिक जी दा, मैं धन्नवादी हाँ डॉक्टर राजकुमार जी दा, साडे प्रधान संधु साहब दा ते नाल बैठे साडे इंचार्ज चीमा जी सारिआं दा जिहड़े अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ते अज दे प्रोग्राम च शामिल होए। अज दी जिहड़ी तुहानूं सारिआं नूं खेचल दित्ती है वह इस करके पंजाब दे हालातां दे उत्ते सरकार नूं जवाबदेह बनाउण वास्ते, जिन्हां लोकां नूं पंजाब दे लोकां ने जिम्मेवारी दित्ती सी सरकार नूं लगाम पा के रखण वास्ते, बेलगाम सरकार ना हो जाए। डेमोक्रेसी दे अंदर अपोजिशन दा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हुंदा है, तुसीं सारे इस गल्लों वाकफ हो। वह रोल पंजाब दे लोकां ने कांग्रेस पार्टी नूं दित्ता सीगा, एक रिकगनाइज्ड अपोजिशन पार्टी असैम्बली दे अंदर सीगी, पर जो समझौता कांग्रेस पार्टी ते आम आदमी पार्टी दा पंजाब दे अंदर जिस तरह होया, मैं समझदा भी अज एक दात देण दा मुकाम बनदा है, चाहे साडे राजनीतिक विरोधी है, पर पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी नूं मैं इस गल दी दात देऊंगा भी चित भी थोड़ी, पट भी थोड़ी, सरकार भी थोड़ी, अपोजिशन भी थोड़ी। पंजाब कांग्रेस दे लीडरां ने, कुछ चंद लीडरां ने जिन्हां नूं अपनी काली करतूतां करके जेल च जाण दा खदशा सीगा, उन्हां लोकां ने अपनी जान बचाण वास्ते एक नैशनल पार्टी नूं एक छोटी पार्टी दे सामने घुटने टेकण ते मजबूर करता। पर एक गल मैं बार बार दोहरा रहा, पंजाब कांग्रेस ने गोडे टेकते होने हैं पर पंजाब ने गोडे नहीं टेके, पंजाबियों ने गोडे नहीं टेके। आ जिहड़ी अपोजिशन का रोल है, आज पंजाब दे लोकां वास्ते पंजाब दे लोकां दी आसां उम्मीदां उन्हां दी आवाज़ लोकां दी आवाज़ ते उम्मीद अज बीजेपी कन्नी है, ते उस जिम्मेवारी नूं निभाउण वास्ते बीजेपी पूरी तरह लामबंद है, सक्षम है। उस मुद्दे नूं लै के अज असीं पंजाब दे अंदर वख वख सारे 13 दे 13 जिहड़े पार्लीमानी हल्कियां दे विच साडे सारे वर्करस दे नाल मीटिंगां कर रहे हां, उस कड़ी दे विच अज दी जिहड़ी मीटिंग है इत्थे असीं तुहाडे इस प्रोग्राम दे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस दे बाद साडी बीजेपी दे कार्यकर्ताओं दी इस अमृतसर गुरु की नगरी दे जिहड़ा पार्लीमेंटरी हल्का है उहदे सारे वर्करां नाल हैगी। अज पंजाब दे अंदर जिस किस्म की प्रॉब्लम सामने आ रही है, सब तो वड्डी प्रॉब्लम जो पिछले दिन अज
7 तरीक हो गई, पिछले 9 तरीक नू 9 जुलाई नू हड़ आया सीगा पंजाब दे अंदर। 9 तरीक नू चंडीगढ़ दाला दुआला चाहे खड़ सीगा, डेराबसी रोपड़ सारा दा सारा इलाका पानी दे नाल डुब गया सीगा। ते उस समय पंजाब दे मुख्यमंत्री के भगवंत मान जी केजरीवाल साहब दे नाल पंचकूला दे इधर वोटां मंग रहे सीगे। वो सवाल उदों भी कीते सी, सवाल अज भी खड़े है, पर उस समय चंगा नहीं सी लगदा क्योंकि हड़ दे नाल इलाका प्रभावित सी। उहदे बाद पूरे पंजाब दे अंदर करीबन 19 जिलों के अंदर हड़ नाल प्रभावित लोग अज भी तड़प रहे हैं। जिथे पंजाब सरकार नू कटघरे च खड़ा करांगे, बीजेपी खड़ा करूगी, वो है क्यों नहीं तुसीं समय रहिंदे जो कदम चक सकते सीगे, हड़ दे प्रबंध जो किए जा सकते से उहदे मार नू घट करन वास्ते, लोगों को तकलीफ घट होए, वो क्यों नहीं किए, क्यों नहीं कोई समीक्षा मीटिंग या रिव्यू मीटिंग प्रैपरेशन दी लईआं गईआं जिहदे करके पंजाब दे लोगों का जान ते माल का नुकसान होया, उहदी जवाबदेही अज ते लैणा है। पर उहदे नाल अज जदों करीबन एक महीना अज पूरा होण जा रहा है, भगवंत मान जी तो आ एक साडा सवाल जिहड़ा है पंजाब दे लोगों का बीजेपी दे मार्फत असीं चुक रहे हां, वो है भी अज पूरा एक महीना होने के बाद अज ताईं एक रुपया क्यों नहीं पंजाब दे लोगों नूं वंडिया गया, चाहे वह किसान है, चाहे वह गरीब है जिन्हां दे मकान ढह गए तरेड़ा पै गया, चाहे व्यापारी है जिन्हां दे दुकानां दा नुकसान हो गया, समान दा नुकसान हो गया, सारयां दे मुआवजे वास्ते पंजाब सरकार ने की कदम चुके है। हुण तो पहला पटवारियों ने, रेवन्यू ऑफिसर्स ने, ईवन डीसी स्टाफ ने हड़ताल कर रखिया सी, अज चाहे वह एक बार उन्होंने खोलतियाँ, इस गल नूं मद्देनज़र रखते होया भी पंजाब दे लोगों नूं अज उन्हां दी सर्विसिज की लोड़ है क्योंकि उन्होंने लोगों ने जाके मुआवजा देख के बना के कागज़ कार्रवाई करनी है, डीसी ऑफिस के थ्रू मुआवजा जाना है, उन्होंने तो करता अपनी हड़ताल। पर भगवंत मान जी की सरकार ने क्यों हड़ताल कर रखी है, क्यों नहीं अज तक एक दवानी पैसा किसानां ताईं, गरीबां ताईं या व्यापारियां ताईं पहुँचा, इस गल का जवाब बीजेपी उन्हां तों लऊगी। उहदे वास्ते असीं लामबंद हां, पूरी उहदी उन्हां दी सरकार नूं कटघरे च खड़ा करांगे। 218 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने फौरी तौर पर जिहड़े उहदे उत्ते रिस्ट्रिक्शन सीगियां, यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी पुराने का हिसाब दे, उहदे बाद नवां पैसा रिलीज़ करांगे, वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने वेव ऑफ करके भी पंजाब नूं पैसे की लोड़ अज है, यूसी का पता नहीं कदों आन गया, तो उन्होंने पैसे भेजते, एक दवानी अज तीन किसी नूं कंपनसेशन के तौर के उत्ते नहीं वंडी गई। पेमेंटा जा रही है पर पेमेंटा इश्तहारा वास्ते जा रही, सब पेमेंटा सरकार के इश्तहारा लगन से पिछले एक महीने से भी घाट नहीं रही। तुसीं शायद जुग साहब थोड़ा चंडीगढ़ गेड़ा लग्या नहीं, पर पिछले एक महीने के अंदर चंडीगढ़ की कोई भी यह जी सड़क सैक्टर की सड़क नहीं बची जिहदे उत्ते वो डेढ़ डेढ़ दो दो लख का एक बोर्ड लगता है, जिहड़ा इल्यूमिनेटेड बोर्ड हुंदा है, घट्टो घट्ट उहदी कीमत डेढ़ तो दो लख रुपई है। मेरे ख्याल कल्ले चंडीगढ़ के अंदर 1000 बोर्ड लगे होने। साहब मेरी बेनती भगवंत मान जी नूं आई सीगी, भगवंत मान जी तुसीं इश्तहार लवाने घट्टो घट्ट एक महीना ही रोक लेंदे, वो पैसा किसानां नूं वंड देंदे, गरीबां नूं वंड देंदे। भगवंत मान जी ने ना 218 वंडे, ना इश्तहार वाले पैसे वंडे। उत्तों की होया, बयान दे रहे भगवंत मान जी कि मेरे कोल पैसे की कोई घाट नहीं, मेरे कोल पैसे की कोई घाट नहीं, मैं केंद्र सरकार तो दवानी नहीं मंगनी। पर तुसी देखो हुण पिछले दिनों रिपोर्ट आई है भी इन्होंने 2000 करोड़ रुपया लोन लिया है पंजाब सरकार ने, कादे वास्ते, लोन चुकाउण वास्ते, कर्जा उतारन वास्ते कर्जा होर ले लिया 2000 करोड़ का। पर भगवंत मान जी भी ठीक है, उन्होंने बयान मैं बड़े ध्यान नाल सुनदा क्योंकि साडे राजनीतिक विरोधी है, हरेक गल ध्यान नाल सुननी पैंदी है। उन्होंने कहा कि मैं भीख नहीं मांगता, गल ठीक है भगवंत मान जी की, मैं सहमत हाँ क्योंकि भगवंत मान जी नूं भीख मंगण की लोड़ भी नहीं, वो कम तो कांग्रेस वाले करी जांदे आ। कांग्रेस के MP साहबान भगवंत मान जी कहिंदे मैनूं पैसे की लोड़ नहीं, उन्होंने चीफ सैकटरी साहब ने एक चिट्ठी पाई होम सैकटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी सानू 1200 करोड़ रुपये का नुकसान करीबन होया है। चीफ सैकटरी साहब 1200 करोड़ कह रहे हैं, उन्होंने मिनिस्टर खुडिया साहब तो चीमा साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं भी सानू 1500 करोड़ रुपये की लोड़ है। पर जेडे सो कॉल्ड अपोजिशन विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जिहड़ा मोहर लवाई फिरदे है, कार कोठियां ते सिक्योरिटियां लई फिरदे है सिक्योरिटी के नाम के उत्ते,
उन्होंने मलिक साहब उत्थे पार्लीमेंट हाउस के सामने खड़ के कांग्रेस के जिहड़े एम पी है साहबान उन्होंने उत्थे कहा, एक एम पी साहब ने कहा 10,000 करोड़ रुपया दिओ पंजाब नूं, दूजे एम पी साहब जिन्हां दे होर तगड़ा परचा बनदा डर होना उन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपया पंजाब नूं मोदी साहब देण। कहिंदे ना पंड काली होई खड़ी है। भगवंत मान जी कहिंदे मैनूं पैसे की लोड़ नहीं। वह जिन्होंने नवें नवें ताजे गोडे घुटने टेके है, जिन्हां दे उत्ते परचे लटक रहे हैं, उन्होंने 20,000 करोड़ की मंग की है। साहब कोई मंगण की लोड़ नहीं। पंजाब वास्ते प्रधानमंत्री मोदी जी का देखो हुण दिल तक खोल के दिखाया नहीं जाता, पर चाहे करतारपुर लांघा बोलता है, चाहे गुरु महाराज के प्रकाश पुरब मनाया गया लाल किले के उत्ते, चाहे बाल दिवस मनाया जाता है, यह सारिया गल् अपने आप से सबूत है। तो उस तो ताज़ा जड़ा सबूत है वह सब के सामने है भी जिथे कितने पंजाब नूं पैसों की लोड़ पई 218 करोड़ रुपये बिना पुछे कंडीशन वेव ऑफ करके भेजता कितने है रुले फिरदा वह है जान। पर उहदे बाद कल देखो, कल अमृत स्टेशन जिहड़ी योजना के तहत पंजाब दे 22 स्टेशन दे उत्ते 1,000 करोड़ रुपया उन्हां दी इंप्रूवमेंट वास्ते मोदी साहब की सरकार ने कल ही उन्हां दा प्रोग्राम किया गया। उहदे विच एक सवाल जिहड़ा, क्योंकि गुरु की नगरी च बैठे हैं, इत्थे सब तो पहला सवाल आऊगा भी अमृतसर दा जिहड़ा है उहदे ते स्टेशन वास्ते एक हैरीटेज बिल्डिंग है पुरानी जिहड़ी जिस उस हिसाब नाल बनी हुई है, चाहे उहदे च उहदे विच भी थोड़े करके चुग साहब मलिक साहब थोड़े टाइम से जिहड़ियां 5 लिफ्टां लवाईयां, 2 एस्कलेटर लवाए, आ जिहड़ा भंडारी ब्रिज किन्ने 49 करोड़ रुपये लवा के आ जिहड़ा भंडारी ब्रिज है रेगो ब्रिज जिहनूं तुसीं कहिंदे हो वह बनाया गया, वह भी इस सरकार दे मोदी साहब दे पंजाब कन्नी रुझान करके बनाया गया। पर उहदे बावजूद अज मैं थोड़े सामने इत्थे बैठा क्योंकि मेरे नाल बहुत वड्डी दिग्गज शख्सियतां बैठियां, उहदे हिम्मत ते मैं कह सकदा भी अमृतसर दे इस गुरु की नगरी वास्ते आने वाले चंद 1-2 महीनों के अंदर ही, क्योंकि जिहड़ी है DPR जिहड़ी है वह तैयार पई है, 480 करोड़ रुपये गुरु की नगरी अमृतसर दे स्टेशन नूं रेनोवेट करने वास्ते उहदे उत्ते फौरी तौर पर लाया जाऊगा। कल 99 करोड़ रुपया जलंधर वास्ते किया गया, हाँ जलंधर कैंट वास्ते 300 करोड़ रुपये की उहदी DPR तैयार की पई है, वह भी उत्थे लाया जाऊगा। कुल मिला के तुसीं देखो भी करीबन 2,000 करोड़ रुपया पंजाब दे रेलवे स्टेशन दे उत्ते लगन दी जिहड़ी स्कीम है वह मोदी साहब नूं किसी ने भीख नहीं मंगी, ना ही किसी ने आ किया भी वह पंजाब च जा रहा जी उत्थे तुसीं अज तईं तां दूसरा कम चालू किया जे ना दिओ कोई देख के करो, नहीं पंजाब दे नाल जिहड़ा लगाव है। तो गुरु की नगरी देखो, मैं किते भी रहा हाँ साहब, मेरी पृष्ठभूमि किसी तो लुकी नहीं, चाहे मैं उस पाले च बैठा सी चाहे मैं अज बैठा, सब तो पहला मैं पंजाबी हाँ साहब।